नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN News। भारत के कई लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सारा वक्त विदेश घूमने में लगाते हैं। कोई कहता था कि वह देश में टिकते क्यों नहीं, ऐसा क्या करते हैं वो विदेश में। पर अब भारत के उन लोगों को समझ आ गया है कि विश्व में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते थे। आज पूरा विश्व भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। इसी कड़ी में पाकिस्तान को एक बार फिर करारा झटका लगा है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस यानी 56 इस्लामी और मुस्लिम राष्ट्रों का सबसे बड़ा संगठन है। IOC का मुख्य काम इस्लामिक देशों के मध्य सभी विषयों में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय सऊदी अरब में है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को विशिष्ट अतिथि के तौर पर निमंत्रण दिया है। आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार ने बीते दिनों बयान दिया था कि भारत की मोदी सरकार एंटी मुस्लिम है। वहीं सुषमा स्वराज को निमंत्रण देना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संगठन ने भारत जैसे राष्ट्र का सदा बहिष्कार किया है। भारत में 2-3 मुस्लिम देशों को छोड़कर दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन इस संगठन ने भारत को सदस्यता देना तो दूर, कार्य प्रभारी का दर्जा भी आज तक नहीं दिया। जबकि कार्य प्रभारी के तौर पर रूस, थाईलैंड और छोटे मोटे अफ्रीकी देशों को भी हमेशा बुलाया जाता था। पर लेकिन इस बार पाकिस्तान के लाख चिल्लाने के बावजूद भी भारत को IOC में बुलाया गया। दरअसल पाकिस्तान ने हमेशा भारत को इस संगठन का हिस्सा होने की राह में रुकावट पैदा की है। अब 1 मार्च को होने वाले अधिवेशन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मुख्य अतिथि होंगी। ऐसे में हम आपको बताते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ। क्या है OIC का मुख्य उद्देश्य? OIC का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्लामी एकजुटता को प्रोत्साहन देना। इसके अलावा उसका उद्देश्य न्याय पर आधारित देश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करना भी होता है। मीडिया खबरों के अनुसार कश्मीर विवाद पर अपना झूठा हक जताए रखने के लिए पाकिस्तान ने अक्सर IOC में अपनी सदस्यता का लाभ उठाया है। उसने हमेशा भारत को परिषद से बाहर रखने की भी पैरवी की है। 1969 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति खान ने मांग की कि IOC भारत का बहिष्कार करे। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि OIC कश्मीर में जनमत संग्रह के लिए भी अपनी मांगों का समर्थन करता है। बता दें, साल 2006 में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने OIC में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन वे असफल रहे पाकिस्तान के विरोध के चलते। पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए भारत का OIC में हिस्सा लेना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का कहना है कि पुलवामा हमले को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारत को निमंत्रण मिलने से पाकिस्तान बैकफुट पर आ सकता है। साथ कश्मीर के मसले पर भी भारत मजबूती से अपना पक्ष रखेगा और पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब करेगा। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप HCN News पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।